दोस्तों आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से मनाली। दिल्ली से मनाली के इस सफर को हम करेंगे अपनी कार से। रास्ते की सारी खूबसूरती आपको हम दिखाने वाले हैं। खास तौर पर जब आप पहाड़ों पर सफर करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो सब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। मैं दावा करता हूँ कि आपने पहले कभी मनाली की इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी, तो एक बार, सिर्फ एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किन किन शहरों से होकर गुजरेंगे, उन शहरों की क्या खास बात है, मनाली तक के रास्ते की अभी कंडीशन कैसी है, कहां कहां क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों ऐसी वीडियो को बनाने में खर्चे के साथ साथ मेहनत भी बहुत लगती है, तो बस आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा। और इस वीडियो में हम लाइक का टारगेट रखते हैं 20,000। जैसे ही 20,000 लाइक मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को पसंद करते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कभी मनाली गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कोई सवाल है हिमाचल टूरिज्म से संबंधित तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं मनाली। दोस्तों मनाली के सफर की शुरुआत करी हमने दिल्ली से। दिल्ली से वैसे तो मनाली के बीच की दूरी करीब 530 किलोमीटर है, लेकिन दिल्ली से करीब रूपनगर तक तो हमें मैदानी इलाकों में ही चलना पड़ेगा। दिल्ली से 42 किलोमीटर की दूरी पर सोनीपत, सोनीपत से 52 किलोमीटर की दूरी पर पानीपत, और पानीपत से 35 किलोमीटर पर करनाल, और फिर 35 किलोमीटर पर कुरुक्षेत्र पहुँचते हैं। कुरुक्षेत्र के बाद 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अम्बाला पहुँचते हैं। ये सारी जर्नी मैदानी इलाकों में होती है, और बहुत खूबसूरत हाईवे बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हाईवे है। हमने ये जर्नी शुरू करी रात में, क्योंकि रात में हाईवे पर चलने का एक अलग ही मजा होता है। रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट, ढाबे देखने के लिए मिलते हैं। अम्बाला एक बहुत खूबसूरत शहर है। अम्बाला के पास से ही शिमला के लिए भी एक अलग रास्ता कट जाता है, और एक रास्ता मनाली के लिए जाता है। तो अगर आप शिमला जाना चाहते हैं तो उस रास्ते को ही चूज कीजिएगा। यहाँ पर एक टोल प्लाजा भी स्थित है, और टोल प्लाजा तो दिल्ली से अम्बाला तक 3 से 4 हमें देखने के लिए मिले। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल दिल्ली से पंजाब तक जितने भी टोल प्लाजा हैं वो पूरी तरह से टोल फ्री हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो टोल प्लाजा, ये अम्बाला के पास वाला है, और मैं आपको दिखाऊंगा, गाड़ी लेकर चलता हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ सारे टोल फ्री कर दिए गए हैं, तो ये टोल प्लाजा पूरी तरह से बंद है, और साइड से जो रास्ता दिया गया है ना, इस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, और दिल्ली से पंजाब तक जितने भी टोल प्लाजा हैं सब फ्री हैं फिलहाल। और इसके बाद से एक रास्ता शिमला के लिए निकल जाता है, और एक रास्ता सीधा मनाली की ओर जाता है। अम्बाला से करीब 77 किलोमीटर की दूरी पर आता है रूपनगर। रूपनगर के बारे में मैं आपको बता दूं कि रूपनगर के लिए एक अलग रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, और वो रास्ता जालंधर की ओर भी जाता है। लेकिन अगर हम स्लाइड लेफ्ट चलें तो हम मनाली वाले रास्ते पर पहुंचेंगे, और कुल मिलाकर हमें रूपनगर मेन सिटी में एंटर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट बाहर यानी बाईपास ही मनाली की ओर निकल सकते हैं, वही हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो रास्ता आप देख रहे थे ना, यहाँ से रूपनगर और जालंधर के लिए निकल सकते हैं। बहुत खूबसूरत रोड है, मतलब ये जितना भी हाईवे है, जितना भी मैदानी इलाकों में गाड़ी चलती है, बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, और रोड पर दोनों ही साइडों में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। पेट्रोल का कोई इशू वहाँ तक नहीं है जब तक आप मैदानी इलाकों में चलेंगे, और बहुत सारे ढाबे वगैरह हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो वो भी इशू नहीं रहे। जैसा हम लोग सोच रहे थे कि टूरिस्ट वगैरह कम है, ऐसा है नहीं, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी टूरिस्ट वगैरह जा रहे हैं। सामने एक वॉल्वो भी खड़ी हुई है। थोड़ा और आगे आए हैं हम रूपनगर के पास से। यहाँ पर 3 रास्ते अलग अलग हो गए हैं। एक रास्ता और रूपनगर की ओर जा रहा है, और एक रास्ता आनंदपुर साहिब की ओर निकल रहा है, और बीच वाले रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं। ये जो बीच वाला रोड है ना, यही मनाली तक जाएगा, तो इस रोड को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं सामने से सनराइज हो रहा है, मॉर्निंग हो चुकी है, तो बहुत खूबसूरत व्यू भी हमें यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, और सामने से यहाँ पहाड़ भी हमें देखने के लिए मिलने लगे हैं। तो मतलब खूबसूरती अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए यार। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत वीडियो आपको ये सामने अभी आनी बाकी है। तो पहाड़ों की ओर चलते वक्त
एक पहला टोल प्लाजा आया है, ये भी पूरी तरह से बंद है और ये रोड आगे जाके बिलासपुर की ओर चला जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहले मैं लास्ट ईयर जब आया था तो रोड बहुत ख़राब था, लेकिन अब ये रोड को तैयार कर दिया गया है। कुछ जगहों पर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कार्य पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ पर आ गया है एक और टोल प्लाजा। ये जो टोल प्लाजा है, यहाँ पर 40 रुपये पे करने पड़ते हैं कार वालों को। पंजाब से दिल्ली तक के सारे टोल फ्री हैं, लेकिन अब हम हिमाचल में एंटर ले रहे हैं तो यहाँ पर तो हमें टोल देना ही पड़ेगा। ई पास का भी काफ़ी इशू है हिमाचल प्रदेश में अभी एंट्री लेते वक्त। 18 जून की ये वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कार ऑलरेडी खड़ी हुई हैं और ई पास यहाँ पर लेकर आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ई पास एंट्री अभी फ़िलहाल नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में ई पास को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अगर आप फिलहाल आ रहे हैं तो ई पास लाना बहुत ज़रूरी है। ओके तो अगर आप हिमाचल में एंट्री ले रहे हैं, मनाली साइड जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ई पास वेरीफाई कराना पड़ेगा। बारकोड को स्कैन करने के बाद ही आप आगे जा पाएंगे। अदरवाइज आपको मनाली या कहीं भी हिमाचल में एंट्री नहीं मिलेगी। सर के पास दी जाइए। तो फाइनली बॉर्डर पर ई पास वेरिफिकेशन हमारा हो गया है। जून की ये बात है, 18 जून की, तब तक ये कंडीशन थी हिमाचल में एंट्री लेने के लिए ई पास जरूरी था, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा। हो सकता है आने वाले समय में ई पास को भी कैंसिल कर दिया जाए, विदाउट ई पास एंट्री मिले। वैसे हमारा ये टूर स्पीति तक होने वाला है, तो हम चाह रहे थे कि शिमला का ई पास हमें मिल जाए, लेकिन शिमला का ई पास हमें नहीं मिल पाया, लेकिन और मनाली का ई पास हमें मिल गया था, तो मनाली साइड से हम एंट्री ले रहे हैं और आगे की जर्नी आगे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज इस वीडियो में आपको मनाली तक की खूबसूरती हम दिखा रहे हैं। तो अभी हम पहाड़ों में एंट्री ले चुके हैं, कुछ ही दूरी पर बिलासपुर हम पहुंचेंगे। रूपनगर से बिलासपुर के बीच की दूरी करीब 90 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो रोड है ना, ये पूरा रोड पर आप देखेंगे कि ना बहुत सारे ट्रक, जैसे ही आप पहाड़ों में एंट्री लेते हैं बिलासपुर साइड में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रक यहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने ट्रक एक साथ कहीं नहीं देखे। यहाँ बहुत ज़्यादा रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रक रहते हैं, लेकिन रास्तों की बात करें तो रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत चौड़े रोड बने हुए हैं। और बिलासपुर के ठीक पहले से एक रास्ता अलग डाइवर्ट हो जाता है जो शिमला की ओर जाता है, और यहाँ से शिमला की दूरी मात्र 86 किलोमीटर के आसपास रहती है, जो ब्रह्मपुखर नमहोल भुना होते हुए शिमला तक जाता है। फिलहाल आप चल रहे हैं हमारे साथ बिलासपुर की ओर। जगह जगह यहाँ पेट्रोल पंप भी मौजूद हैं। रोड की कंडीशन आप देख लीजिए, लास्ट ईयर तो ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, अब बनके तैयार हो चुका है। अभी हम लोग बिलासपुर में एंट्री ले रहे हैं। ये जो शहर आप देख पा रहे हैं ना, ये ही है बिलासपुर, और अभी बिलासपुर के आउटर पर हैं। आगे हम पूरा सिटी आपको दिखाने वाले हैं। ये आ गया है बिलासपुर शहर, ये भी काफ़ी बड़ा शहर है। ये एक डाइवर्जन पॉइंट है, यहाँ से अलग अलग कुछ रास्ते कट जाते हैं। शिमला के लिए हम यहाँ से निकल सकते हैं और दूसरे हिमाचल के दूसरे अलग शहरों में भी हम यहाँ से जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा शहर है, और बिलासपुर से करीब 40-42 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरनगर मौजूद है, वहाँ तक चलेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं बिलासपुर में। अच्छा, दिल्ली से मनाली अगर आप आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ना मनाली का, वो है पठानकोट 293 किलोमीटर पर, और एक है जोगिंदरनगर जो 143 किलोमीटर की दूरी पर ही है। लेकिन जोगिंदरनगर तक बहुत ज़्यादा ट्रेन अवेलेबल नहीं है, आप पठानकोट तक आ सकते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र आप बाय रोड ही कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो बाय रोड ही अगर आप पूरा ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। एयरपोर्ट भी वैसे मनाली का कुल्लू में स्थित है, वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे हम कुल्लू पहुंचेंगे वो एयरपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम बिलासपुर से आगे बढ़ रहे हैं सुंदरनगर की ओर। और मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ के जो रोड हैं और उत्तराखंड के जो रोड हैं, बहुत अंतर है। उत्तराखंड में रोड पर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, लेकिन हिमाचल में ज़्यादातर रोड बहुत चौड़े हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अगर आप खुद की गाड़ी लाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप आसानी से मनाली तक अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं।
तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं सुंदर नगर में। ये है सुंदर नगर और जैसा नाम वैसा ही व्यू, बहुत सुंदर व्यू, सड़कें बहुत सुंदर, व्यू बहुत सुंदर। ऐसे ही ये जर्नी निकल जाएगी खूबसूरत व्यूज को एंजॉय करते हुए। और सुंदर नगर से भी ना एक रास्ता शिमला के लिए और निकलता है। यहाँ से शिमला करीब 117 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो आता है रास्ता DPF कुथवाही और टिक्कर ताजा पानी होते हुए शिमला तक जाता है और शिमला और कुफरी के बीच में ये रास्ता कनेक्ट होता है जो सुंदर नगर से निकलता है। आप चाहें तो यहाँ से भी शिमला जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मनाली से शिमला आते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है शिमला पहुँचने के। तो ये है सुंदर नगर शहर जो बहुत ही सुंदर लग। मतलब इस तरह के डबल रोड, बीच में डिवाइडर, आप सोच नहीं सकते कि आप पहाड़ों पर हैं। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ इतने चौड़े चौड़े रोड बने हुए हैं, इतने खूबसूरत रोड बने हुए हैं, दोनों साइड में बड़ा अच्छा खासा बाजार भी है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम हिल स्टेशन पर घूम रहे हैं। लेकिन आगे के रास्ते कैसे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। सुंदर नगर से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर मंडी शहर स्थित है। मंडी शहर तक लेकर चलेंगे आपको। फिलहाल सुंदर नगर के आउटर पर हम लोग आ गए हैं और इस समय भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत सा हाईवे आया था, कहीं पर रोड अच्छा है, कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य अभी चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सुंदरनगर तक तो रोड अभी तक बढ़िया ही है। आगे कैसे मिलेंगे वो आपको दिखाएंगे। सुंदरनगर से मंडी, मैं बता रहा था 65 किलोमीटर की दूरी पर है, और मंडी ही वो शहर है जहाँ कंगना रनौत का घर भी मौजूद है। और मंडी से तो कई अलग अलग रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे आप शिमला यहाँ से जा सकते हैं। एक अलग रास्ता है जो पुडोऊ जीबी होते हुए शिमला तक पहुँचता है और यहाँ से शिमला की दूरी करीब 141 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से आप धर्मशाला जा सकते हैं, पालमपुर, बैजनाथ, जोगिंदर नगर होते हुए धर्मशाला पहुँच सकते हैं। आगे आप मैक्लोडगंज अगर जाना चाहते हैं तो भी आप मंडी होकर ही निकलेंगे। ये मंडी सिटी है, बाईपास निकल जाते हैं, मेन मंडी सिटी में ज़्यादा एंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये आप देख रहे हैं मंडी शहर, ये भी काफ़ी बड़ा शहर है। जरूरत की सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी, होटल्स, ढाबे, सब चीज़ यहाँ मौजूद हैं। बहुत बड़ा शहर है। यहाँ से पठानकोट के लिए भी निकल सकते हैं। यहाँ से आप पालमपुर जाइए, पालमपुर से एक रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, पठानकोट चला जाता है। पठानकोट की दूरी भी यहाँ से करीब 200 किलोमीटर की समथिंग होगी। ये है मंडी का बस स्टैंड, बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पर। मतलब कह सकते हैं कि मंडी एक डाइवर्जन पॉइंट है जो हिमाचल के काफ़ी बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करता है, जैसे कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ, धर्मशाला, मैक्लोडगंज। अगर आप मनाली से इन सभी जगहों पर जाना चाहते हैं तो आपको मंडी आना होगा और मंडी से ही आप अपना रूट चेंज कर सकते हैं। मंडी से जब आगे हम बढ़ते हैं कुल्लू की तरफ, या कह लीजिए भुंतुर की तरफ, तो मंडी से कुल्लू के बीच का जितना भी डिस्टेंस है 65 से 70 किलोमीटर, यहाँ रास्ता बहुत ख़राब है। ये आपके सामने है वही रोड जो मंडी से कुल्लू की ओर जाता है। यहाँ रास्ता वाकई में अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो मतलब कह सकते हैं किसी भी तरह से रोड यहाँ पर अच्छा अभी बना नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में बहुत अच्छे रोड यहाँ देखने के लिए मिल जाएं, लेकिन मैं जून 2021 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर रोड बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा धूल, मतलब इन सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले से तैयार होकर जाइए, गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाली है बहुत ज़्यादा डस्ट। और यहाँ से जो नज़ारे हैं ना वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगने लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। रोड उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, एक बार में एक ही गाड़ी निकल पा रही है। आप देख भी पा रहे होंगे कि पहाड़ पूरी तरह से रोड के ऊपर आ रहा है और दूसरी साइड में एक बहुत डीप वैली है, गहरी खाई है। तो और रोड भी उतना अच्छा नहीं है, तो कुछ जगहों पर ऐसे पैचेस हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। और मंडी से भुंतुर के बीच की दूरी करीब रहती है 57 किलोमीटर, और 57 किलोमीटर तक हमें ऐसा ही रास्ता देखने के लिए मिल रहा है। आप देख लीजिए रोड की क्या कंडीशन है, आपके सामने है यही रोड आपको देखने के लिए मिलने वाला है अगर आप मनाली आते हैं तो। और मैं आपको बता चुका हूँ 65 से 70 किलोमीटर तक लगभग यही रोड रहने वाला है। कितनी ज़्यादा धूल, कितनी ज़्यादा डस्ट। ये एक शिव मंदिर यहाँ पर मौजूद है। आगे थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक टनल मिलेगी, उस टनल को हमें पार करना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी टनल है और काफ़ी पुरानी भी है, और मनाली की ये एक बहुत फेमस टनल है जो मंडी सिटी को कुल्लू से जोड़ती है। ये है व्यास नदी का खूबसूरत सा नज़ारा, और यहाँ पर बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से रोड तो मान लीजिए कि है ही नहीं, रोड कंडीशन आपके सामने है।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रक मौजूद हैं और रोड की क्या हालत है वो भी आपके सामने। अब ये जो देख रहे हैं ये है एक टनल, और टनल में अगर हम जाते हैं तो हम कुल्लू मनाली की ओर निकल जाते हैं, और सीधा जो रास्ता जा रहा है ना ये शिमला की ओर जाता है। ये जो रास्ता है ना शिमला जाने वाला बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है। इस रास्ते से हम शिमला जाएंगे वो भी आपको हमारे चैनल पर आगे देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम मनाली जा रहे हैं तो इस टनल से होकर गुजरेंगे। बहुत खूबसूरत सी टनल है और ये मंडी और कुल्लू के बीच में स्थित है। यहाँ से शिमला की दूरी करीब 197 किलोमीटर है, 190 या 195 किलोमीटर के समथिंग है। लेकिन ये जो रास्ता रहेगा ना शिमला तक का बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहने वाला है, वो भी आपको हमारे चैनल पर हम दिखाएंगे। तो फिलहाल हम टनल से बाहर आ गए हैं। टनल से बाहर आने के बाद ना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। और सामने हमें खाने पीने के लिए बहुत सारे ढाबे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ के ढाबों के बारे में मैं पहले से जानता हूँ कि बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया खाना आपको यहाँ खाने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लंच वगैरह यहाँ करना चाहते हैं ना तो यहाँ ज़रूर खाइएगा, यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों ने भी यहाँ पहले खाया था और इस बार भी यहाँ पे हम स्वाद ज़रूर चखेंगे खाने का। यह एक यहाँ का होटल जिसकी छत से हम लोग व्यू ले रहे हैं और हो चुका है हमारा लंच टाइम। खाना खाने के लिए रुक गए, लंच है। अच्छा, इस टनल से निकलने के बाद ये ढाबे मौजूद थे जहाँ हमने खाना खाया है, और उससे आगे जब हम आते हैं ना तो कुछ ही दूरी पर भुंतुर शहर स्थित है। ये भी बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर। भुंतुर ही वो शहर है जहाँ से मणिकरण साहिब के लिए भी रास्ता डाइवर्ट होता है। ये जो सामने पॉइंट देख रहे हैं ये है कुल्लू मनाली का हवाई अड्डा जो भुंतुर में स्थित है, और भुंतुर से मनाली के बीच की दूरी करीब 50 किलोमीटर रह जाती है। यानी अब बाय फ्लाइट भी अगर आप मनाली आते हैं तो यहाँ तक आपको आना होगा, और इसके बाद 50 किलोमीटर आपको बाय रोड ही चलना है। बाय रोड आगे क्या कंडीशन है वो हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो फिलहाल जो आप घूम रहे हैं, ये जो बाज़ार देख रहे हैं ना, ये भुंतुर सिटी का है, और दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। और यहाँ से इस लोहे के पुल को पार करने के बाद थोड़ा आगे जब हम जाते हैं तो मणिकरण साहिब के लिए भी रास्ता यहाँ से ही डाइवर्ट होता है। एक रास्ता मणिकरण के लिए निकल जाता है और एक रास्ता लेफ्ट हैंड पर मनाली के लिए निकल जाता है। वो पॉइंट मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। आप कसोल जाना चाहते हैं तो भी आपको मणिकरण वाले रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। भुंतुर से मणिकरण की दूरी करीब 35 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर के आसपास कसोल है। आप तोस जाना चाहते हैं या खीरगंगा ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो भुंतुर से ही आपको डाइवर्जन लेना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है जहाँ ये पिकअप गया है ना, जहाँ ये आगे सामने गाड़ी जा रही है, पिकअप जा रही है, वो सीधा रोड मणिकरण कसोल तोस या खीरगंगा की ओर निकल जाता है। यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो इस पुल के नीचे से हम कुल्लू मनाली की ओर निकल जाएंगे। हम कुल्लू मनाली जा रहे हैं तो इसी रास्ते को पकड़ेंगे। भुंतुर से कुल्लू करीब 9 किलोमीटर के अराउंड है और रास्ता अब बढ़िया हो चुका है, और आगे भी उम्मीद है मनाली तक बढ़िया ही रास्ता मिलेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है तो रोड ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर ठीक है तो कुछ जगहों पर बिगड़ा हुआ है। लेकिन मंडी से भुंतुर तक का रास्ता तो बेहद ही खराब था, यहाँ भी अभी काम चल ही रहा है। तो कुल्लू में वैसे ना सिटी में एंट्री लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर से ही एक बाईपास बना हुआ है, उसी बाईपास से आप मनाली की ओर निकल जाइए। बट अगर आप कुल्लू आना चाहते हैं तो कुल्लू में मेन सिटी में आ जाइए, वहाँ भी बहुत सारे होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं। यहाँ सामने से ही ना रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा कुल्लू सिटी के लिए और मनाली के लिए। ये जो सामने शहर देख रहे हैं ना यही कुल्लू है। कुल्लू में रिवर राफ्टिंग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का। कुल्लू ही जिला है, कुल्लू जिले में ही मनाली एक गांव है जो आता है। जी हाँ, मनाली एक गांव है, उसी गांव में हम जा रहे हैं। कुल्लू से करीब 40 या 41 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मनाली। सामने जो आप देख रहे हैं ये है कुल्लू शहर। कुल्लू शहर में आप कभी भी मतलब गलती से भी मत जाइएगा अगर आपको डायरेक्ट मनाली जाना है, वरना आपको भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। आप बाहर से ही बाईपास ही आगे निकल जाइए अगर आपको कुल्लू में स्टे नहीं करना है तो। और यहाँ से जो कुल्लू से मनाली तक का जो रास्ता है ना, वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ से खूबसूरती में अचानक से चार चांद लग जाते हैं। रोड एकदम चकाचक बहुत शानदार, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रोड है। मतलब गड्ढे तो रोड पर कहीं से कहीं तक नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत रोड है। करीब 40 से 42 किलोमीटर आपको ऐसा ही रास्ता मिलेगा।
दोनों साइड में बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए हैं, जगह जगह पर टूरिज्म वालों के ऑफिस हैं। अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर दुकानें हैं। पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल का कोई इशू आपको दिल्ली से मनाली तक नहीं होने वाला है। पहाड़ों पर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत से पेट्रोल पंप हैं। और 40-42 किलोमीटर का ये जो रास्ता है कुल्लू से मनाली तक का, बहुत एडवेंचरस रहेगा, बहुत खूबसूरत रहेगा। सबसे ज़्यादा सुंदर एक्सपीरियंस आपका कुल्लू से मनाली के बीच में ही रहेगा। अगर आप मनाली तक की बात करते हैं, मनाली से आगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने के लिए मिलेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ये हैं कुल्लू से मनाली तक के। खूबसूरती देखिए आप यहाँ की, यहाँ से व्यूज़ देखिए, बहुत सुंदर। और दिल्ली से मनाली के इस सफ़र में सबसे ज़्यादा जो हमने गाड़ी रोकी है ना अपनी, तो वो इसी 40 किलोमीटर के दायरे में रोकी है। बीच बीच में यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये इतने खूबसूरत है ना गांव कि आप यहाँ रुके बिना नहीं मानेंगे। फ्रूट्स की शॉप भी आपको यहीं पर मिलेंगी, सबसे ज़्यादा मनाली के फेमस सेब की दुकानें। फिलहाल वैसे जून के महीने में तो सेब नहीं मिलते हैं, अगस्त के बाद ही सेब यहाँ मिल पाएंगे। ये आ जाता है मनाली में एंट्री लेने से पहले एक टोल प्लाजा, और यहाँ पर टोल लगता है 35 रुपये का। 35 रुपये का ये टोल है, ये तो हमें देना ही पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपको मनाली तक पहुँचा रहे हैं आप घर बैठे बैठे, और यहाँ से अब मनाली रह गया है 21 किलोमीटर, रोहतांग है 74 किलोमीटर और केलांग है 142 किलोमीटर। फिलहाल हम मनाली जाएंगे, मनाली में स्टे करेंगे, आगे की जर्नी आगे दिखाएंगे। और ये हैं खूबसूरत खूबसूरत रास्ते। आप डायरेक्ट वैसे बस से भी आ सकते हैं दिल्ली से, बहुत सी वोल्वो चलती हैं, और हिमाचल प्रदेश की भी जो गवर्नमेंट बस हैं वो भी चलती हैं। ये बसेस आपको ISBT और हिमाचल भवन से मिल जाएंगी। इसके अलावा रेलवे के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, पठानकोट तक आप आ सकते हैं। सबसे सुंदर नज़ारे जो मनाली तक हमें देखने के लिए मिलते हैं वो कुल्लू से मनाली के बीच में ही हैं। रोड देखिए आप, रोड बहुत चौड़ा है, आप खुद की गाड़ी आसानी से ला सकते हैं। अगर थोड़ा भी आप पहाड़ों पर ड्राइविंग कर चुके हैं तो आप आसानी से मनाली तक अपनी गाड़ी ला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। जहाँ गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूँ, लेकिन मनाली तक मुझे नहीं लगता कि कोई इशू रहेगा। अगर आप थोड़ा भी स्किल रखते हैं पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का तो आप आसानी से यहाँ ला सकते हैं। यहाँ से मनाली रह गया है 17 किलोमीटर। चलिए आगे मिलते हैं, आप ये नज़ारों को एंजॉय कीजिए, हम आगे आपसे। ये देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये एक तरह से यहाँ पे टैक्स वसूला जाता है, जिसे ये लोग ग्रीन टैक्स का नाम देते हैं। बाइक वालों से 100 रुपये लेते हैं, कार वालों से 200 रुपये। अगर आपके पास बड़ी कार है, 7-सीटर कार है, तो 300 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप बस से अपनी बस ला रहे हैं, प्राइवेट या टेम्पो ट्रैवलर लेकर आए हैं, तो 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। खास बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी हिमाचल प्रदेश की है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी दूसरी है, दूसरे स्टेट की, तो आपको देना पड़ेगा। और यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी रह जाती है मेन मनाली सिटी की। यहाँ से 2 अलग अलग रास्ते हो जाते हैं जो मनाली के लिए जाता है। और अगर आप डायरेक्ट सोलांग वैली जाना चाहते हैं तो आप सीधे निकल जाइए, बट अगर आप मनाली सिटी में एंटर लेना चाहते हैं तो स्लाइड लेफ्ट ले लीजिए, आप मनाली पहुँच जाएंगे। वैसे तो अगर सोलांग वैली वाले रास्ते पर भी जाते हैं तो आप मनाली वहाँ से भी पहुँच जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा लेफ़्ट ले लेते हैं तो सीधे डायरेक्ट हम मनाली में एंट्री ले लेंगे। वो जो सोलांग वैली वाला रास्ता है वो थोड़ा सा आगे से हमें ज़्यादा इसमें ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट सोलांग वैली जाते हैं या डायरेक्ट अटल टनल की ओर जा रहे हैं या और आगे जा रहे हैं, लेह लद्दाख जा रहे हैं, स्पीति जा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट निकल सकते हैं। ये है मनाली की एक बड़ी सी पार्किंग, यहाँ आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ दूसरी पार्किंग भी मनाली में मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम एंटर ले चुके हैं पूरी तरह से मनाली शहर में। ये है यहाँ का एक पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल का इशू पूरे रास्ते में, डीजल का पेट्रोल का कोई इशू नहीं रहेगा। CNG LPG भूल जाइए, वो सब यहाँ पर नहीं चलता है, ना ही आपको मिलेगा। CNG LPG के बारे में तो बात ही करनी बेकार है, डीजल पेट्रोल यहाँ पर कोई इशू नहीं है। देख लीजिए आप लेफ्ट हैंड पर जितने भी हैं सब होटल्स हैं, और राइट हैंड पर एक यहाँ का वन विहार है मनाली का, जो खूबसूरत सा जंगल है। यहाँ घूमने का भी एक अलग ही एडवेंचर रहता है, बहुत मज़ा आता है। और लेफ्ट हैंड पर सारे होटल्स आप देख पा रहे हैं, तो
तो ये था पूरा सफर हमारा दिल्ली से मनाली तक का। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक, शेयर और कमेंट से कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मनाली घुमाएंगे, मनाली कैसा अभी फ़िलहाल जून के महीने में है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मनाली आना चाहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें देखने और समझने और सीखने के लिए मिलने वाली है और आपका टूर बहुत अच्छा। तो अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।